के नाम से, गुंडा के नाम से, गंडक के नाम से, जंगल के नाम से, जितना नाम ले लिया जाए, ये सरकार को लोगों ने कह करके और 15 साल ये भयावह स्थिति को जनता जनार्दन के हाथ को काटने का काम किया। लेकिन उससे निकलने का जब मौका मिला तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसी परिवार के एक बेटा आज गांव गांव में घूम करके और खास करके दलितों को अनुसूचित जाति वर्गों में ये भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि लगता है कि देश में संविधान के ऊपर खतरा है, रिजर्वेशन के ऊपर खतरा है। मैं आपके माध्यम से अपने वर्ग के, अपने समाज के लोगों से, सांसद होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजा गठबंधन की तरफ से अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, आवाज करना चाहते हैं, उनको सचेत करना चाहते हैं। जिन लोगों ने आज बगुरुपिया बन करके गोपालगंज के धरती से बिहार के दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, जो बाबा साहब का हस्ताक्षर किया और अम्बेडकर के हवाला दे करके संविधान को खतरा बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग से कहना चाहते हैं, उन नेताओं से आप लोग पूछें कि 15 साल के शासनकाल में जो रिजर्वेशन की बात आप करते हैं, एकदम पद कह करके आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने जो अनुसूचित जाति वर्ग के आज मुखिया के पद पे, जिला पार्षद के पद पे, बीडीसी के पद पे, चेयरमैन के पद पे जो राजद गठबंधन ने रिजर्वेशन दिया, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जब सरकार बनी तो SC ST के लोगों को रिजर्वेशन प्राप्त हुआ। लेकिन आपकी पूर्ववर्ती सरकार जिनके बेटा ने आज जिला जिला करके बिहार में अनुसूचित जाति को जो रोना रो रहे हैं, आपके खुद पिताजी और माताजी की सरकार रही और आपने रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। रही बात संविधान की, तो संविधान भारतीय जनता पार्टी राजा गठबंधन के नेतृत्व में सही सलामत है, सुरक्षित है। लेकिन आपके जो UPA 2 UPA 1 और लालू जी की सरकार में जो संविधान असुरक्षित था और उसी असुरक्षित के तहत आपके पिताजी दोटवार जेल में गए हैं, आप तेजस्वी जी गरीबों के बीच ये क्यों नहीं बताते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी की वजह से कौन लड़ाई आप गरीबों के लिए लड़े? चारा आपने खाया, रोजगार का आपने खाया, गरीबों का हक आपने छीना, वृद्धा पेंशन का पैसा